हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा प्राइवेट डीएनएस सेटिंग है, तो प्राइवेट डीएनएस सेटिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, पहले तो हम इसको बैक कर लेंगे। बैक करते ही जो हमारे आइकन्स हैं इस तरीके से शो होते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से शो हो जाएंगे। तो आपको सिंपली स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे हमारे इस तरीके से। तो फिर आपको क्लिक कर देना है सेटिंग पे। क्लिक करते ही हमारी फ़ोन सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में प्राइवेट डीएनएस सेटिंग है, तो प्राइवेट डीएनएस सेटिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको जाना है यहाँ से कनेक्शन शेयरिंग सेटिंग पे। कनेक्शन शेयरिंग सेटिंग हमारी इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है प्राइवेट डीएनएस सेटिंग, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारी जो प्राइवेट डीएनएस सेटिंग ओपन हो जाएगी, जिसमें आप ऑफ़ कर सकते हैं, ऑटो पे सेट कर सकते हैं या प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर को बना के यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्राइवेट डीएनएस सेटिंग को आप सेट कर सकते हैं इस तरीके से कनेक्शन शेयरिंग सेटिंग पे जाकर। अगर आपको प्राइवेट डीएनएस सेटिंग नहीं मिलती है आपको फ़ोन की सेटिंग्स में, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इसको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। तो जो हमारी फ़ोन सेटिंग्स है इस तरीके से ओपन हो जाएगी, फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सर्च कर देना है प्राइवेट डीएनएस के नाम से, प्राइवेट डीएनएस। तो इसको सर्च करते ही हमारी सेटिंग यहाँ पर शो हो जाएगी, और यहाँ से प्राइवेट डीएनएस सेटिंग को भी सेट कर सकते हैं। इसको आप भी कर सकते हैं, आप ऑटो भी कर सकते हैं, यहाँ से हॉस्ट नेम को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हॉस्ट नेम चेंज करना चाहते हैं कोई भी डाल सकते हैं, और सेव करते ही जो हमारी प्राइवेट डीएनएस सेटिंग्स है हमारे फ़ोन में सेट हो जाती है। तो इस तरीके से आप प्राइवेट डीएनएस सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।